क्या आपने किसी एनर्जी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है? अगर यस तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज हम स्टडी करेंगे ऐसी कंपनी का चार्ट जिसका स्टॉक प्राइस 40 रुपीज से 160 रुपीज हो गया था, पर पिछले कई महीनों से ऑलमोस्ट फेब 2024 से ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बिजनेस है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ अबाउट SJVN। तो वेल, एज पर टेक्निकल स्टडीज, आगे क्या मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसमें? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है SJVN के चार्ट्स पर। मैं उसी एवो मीरा का हमारी सीरीज है बातें स्टॉक वाली, जहां मैं सरल भाषा में टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक से जुड़ी बातें आपसे शेयर करती हूँ। बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। SJVN के चार्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि जुलाई 2023 में ऑलमोस्ट 5 ईयर लॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 40 रुपीज, जिसके बाद स्टॉक में एक मैसिव बुल रन दिखा, दैट टू विद इन 6 to 8 months। स्टॉक 40 रुपीज से 160 हो गया, लेकिन फेब 2024 से ऑलमोस्ट अभी तक स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। इनफैक्ट 160 रुपीज से गिरकर 120 आ गया है और पिछले 9 मंथ से ये रेंज बाउंड हो गया है, यानी SJVN एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसमें अगर हम कंसिडर करें कि ऐसे बुल रन के बाद क्या स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं, उसके लिए हमें चार्ट पर सपोर्ट लेवल्स की बात करनी पड़ेगी। साथ में देखें तो इस पीरियड में जब स्टॉक गिर के नीचे आ रहा है, तब वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, मतलब ज्यादा इन्वेस्टर्स पैनिक करके स्टॉक को बेच नहीं रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो 3-4 बार स्टॉक 115 to 120 की जोन में आता है, जैसे कि मैंने एरो से मार्क किया है। This means that investors are finding the stock attractive at those levels. तो अभी भी हम नोटिस करें तो SJVN वही जोन में है एंड उसी के साथ 50 weekly EMA भी स्टॉक की उसी जोन में आती है। तो 115 से 120 रुपीस की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है SJVN में। इन केस वीकली क्लोजिंग बेसिस पर प्राइस 115 रुपीस के नीचे क्लोज होती है, तो इसे सपोर्ट ब्रेकडाउन माना जाएगा और शायद स्टॉक में और डाउनफॉल देखने को मिले। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है और यहाँ से बाइंग अक्यूमुलेट होती है SJVN में, तो फिर से अपनी अपसाइड जर्नी शुरू कर सकता है। अपसाइड रेजिस्टेंस जोन बोलूं तो वो आता है अराउंड 159 रुपीस। दोस्तों, ये था इजीएस्ट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ SJVN। आशा है वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आप RVNL के स्टॉक एनालिसिस जानना चाहते हैं तो आई आइकॉन पर क्लिक कीजिए। कमेंट्स में अपना व्यू शेयर करें और आगे आप कौन सा स्टॉक एनालिसिस सीखना पसंद करेंगे हमें जरूर बताएं। एंड बिफोर लीविंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.